आज हम आपको बता रहे हैं, हमारे पास एक डेल का मॉडल आया है। ये ट्विन वन लैपटॉप होता है डेल का, ये टच स्क्रीन में लैपटॉप होता है। इसका मॉडल होता है 7960 डेल इंस्पिरॉन 13 5000 सीरीज मॉडल होते हैं ये। इनमें प्रॉब्लम क्या होती है मोस्टली, ये लैपटॉप तो अच्छे होते हैं, इनमें कीबोर्ड वगैरह की प्रॉब्लम आती है, इसके ग्लास टूट जाता है, इनकी प्रॉब्लम आती है इन मॉडल्स में। और ये दूसरा आज हमारे पास क्या फॉल्ट के लिए आया है, इसको जब हम ऑन करते हैं इसमें तो डिस्प्ले नहीं आता है। ये नो डिस्प्ले में है हमारे पास। इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, दो चीज़ें होती हैं, एक तो होती है रैम सेक्शन में प्रॉब्लम होती है या रैम में प्रॉब्लम होती है, या फिर इसका LVDS ख़राब होता है जिस वजह से ये प्रॉब्लम होती है। तो आज हम उसी के बारे में आपको बता रहे थे कि कहाँ पे हम क्या डायग्नोस करेंगे, कहाँ चेक करेंगे, तो इसमें क्या फॉल्ट कैसे हम डायग्नोस करते हैं। इसका LVDS पैनल होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करने से पहले हम हार्ड डिस्क को डिसेबल कर लेते हैं। क्या होता है, मशीन बार बार बंद होती है, ऑन होती है, ऑफ होती है, जिस वजह से हार्ड डिस्क में प्रॉब्लम आने के चांस रहते हैं, इसलिए हम हार्ड डिस्क को सबसे पहले अलग हटा देते हैं। हमारा डिस्प्ले आ गया है मशीन में, इस प्रकार आप देखोगे क्या होता है, कुछ कंपोनेंट मिस हो जाते हैं, हमारे कनेक्शन लूज हो जाते हैं, जिस वजह से डिस्प्ले नहीं बन पाता है मशीन में। कुछ होते हैं कि भाई ये रिपेयर हो, मदरबोर्ड भी रिपेयर करना पड़ जाता है, कोई कंपोनेंट वगैरह होते हैं जैसे IC होती हैं, MOSFET होते हैं, इस प्रकार स्विच कंप्यूटर सारा काम करते हैं। आपका कोई भी लैपटॉप हो, किसी भी प्रकार का लैपटॉप हो, आपका कुछ भी, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, एक बार सूरज कंप्यूटर्स पे अवश्य संपर्क करें, हमारे नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें, हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। और आपने इस वीडियो में जैसे देखा कि शुरू स्टार्टिंग में आपने देखा था हमारे लैपटॉप में डिस्प्ले नहीं आ रहा था, और जब हमने केबल को हटा के लगाया, दोबारा इसको कनेक्शन किया, तो हमारा डिस्प्ले आ गया है। हमारा वीडियो जो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएँ। थैंक यू।